इसराइल हमास से शुरू हुई जंगी दास्तान पूरे रीजन में फैल चुकी है। इसराइल के हमास पर जवाबी कार्रवाई में शुरू हुए भीषण हालात पर अब ईरान समर्थित सभी चरमपंथी संगठन टूट पड़े हैं। युद्ध में अकेले पड़े इसराइल पर मिडिल ईस्ट के उग्रवादी संगठन हावी हैं। बेशक इसराइल को अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है, बावजूद इसके जमीनी लड़ाई में अकेले इसराइली बल ही जूझते दिख रहे हैं। इराक का इस्लामिक प्रतिरोधी संगठन हो या यमन के हुती विद्रोही, लेबनान का हिजबुल्ला हो या सीरिया के प्रतिरोधी लड़ाके, सभी मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमला कर रहे हैं। इस दौरान फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानियों ने गाजा में अल शुजाइया पड़ोस में जोरदार हमला बोला। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद अल कुछ ब्रिगेड ने लगातार दूसरे दिन इजरायली बलों पर बमबारी कर उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया। लड़ाकों ने जमीन के नीचे कई खतरनाक आईईडी विस्फोटकों का जाल बिछाकर इजरायली सेना की कब्र खोद डाली। समूह ने दावा किया कि उसके लड़ाके ने पहले भी जमीन में विस्फोट का नेटवर्क बिछाया था, जिसमें फंसते हुए एक इजरायली बख्तरबंद वाहन जबरदस्त विस्फोट का शिकार हो गया था। प्रतिरोध हवा, जमीन के साथ साथ पिछले कुछ समय से जमीन के नीचे से भी अब इसराइल पर कहर ढा रहे हैं। लड़ाके अब इसराइल की पैदल सेना को करीब से घेरने की फिराक में रहते हैं, ताकि उनके वाहनों को नजदीक से और सटीक टारगेट से उड़ाया जा सके। इन ऑपरेशन से इसराइली सैनिक या तो मारे जाते हैं या बुरी तरह जख्मी होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। समूह ने तैनात इजरायली सेना पर कई मोर्टार राउंड भी दागने का दावा किया है। इसके अलावा अल कुद्स ब्रिगेड ने एक इजरायली बख्तरबंद वाहन को तबाह किया। लड़ाकों के ऑपरेशंस में सबसे प्रभावशाली अल सुजाइया की एक इमारत में घात लगाकर हमला किया। ब्रिगेड ने दावा किया कि ऑपरेशन में अल सुजाइया में बिल्डिंग के अंदर की सुरंग में आईडीएफ को बुरी तरह फंसाया। इसके बाद लड़ाकों ने इजरायली सेना को घातक विस्फोटकों से उड़ा दिया। अरब न्यूज एजेंसी अल मयादीन की माने तो अल शुजाइया पड़ोस में अब तक 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। वहीं हमास के अल कसम ब्रिगेड और पीएफएलपी के अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने भी इजरायल हमलों के खिलाफ मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। मिलिट्री विंग ने बताया कि उसके लड़ाकों ने कई खतरनाक हथियारों से इजरायली बलों का मुकाबला किया। दूसरी ओर अल कसम लड़ाकों ने अल शुजाइया में एक इजरायली मरकवा टैंक पर अल यासीन टेंडेम रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दाग कर वार किया। इसके साथ ही बगदाद स्ट्रीट पर तैनात इजरायली बख्तरबंद और पैदल सेना वाले मोर्टार के गोले दाग कर उन्हें ढेर किया। बताया जाता है कि अल कसम ब्रिगेड ने भी इजरायली बलों का बेहद करीब से मुकाबला किया। इससे मृतकों और हताहतों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा होने की बात सामने आई। इतना ही नहीं, दक्षिण पश्चिम गाजा में अल कसम लड़ाकों ने एक इमारत में तैनात इजरायली बलों पर थर्मोबोरिक शेल दागे। नेत्सारे मैक्सिस में लड़ाकों ने तैनात आईडीएफ की ओर राजोम रॉकेट दागे। अलक्सा शहीद ब्रिगेड ने भी इस बार दक्षिणी शहर रफा से कम दूरी के 107 mm रॉकेट तोपखाने के गोले से बमबारी की। पूर्वी रफा में तैनात आईडीएफ पर मोर्टार गोले दागे गए। अल कसम लड़ाकों ने पश्चिमी रफा में ताल अल सुल्तान में एक इजरायली मरकवा टैंक पर अल यासीन गोला भी दागा। समूह ने एक स्नाइपर ऑपरेशन का फुटेज भी जारी किया। इसमें नाहल ब्रिगेड की 931वीं इन्फेंट्री बटालियन के एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई, जो गुरुवार को मारा गया था।